जौहर टाउन धमाके की तहकीकात में तेजी, बारूदी मवाद से भरी गाड़ी के मालिक समेत चार अफराद ज़ेर हिरासत। गाड़ी 6 मरतबा फरोख्त हुई। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज से ऑफ लोड किया जाने वाला पॉल डेविड ने आखिरी बार गाड़ी को गुजरावाला से खरीदा। डेविड ने गाड़ी किसी के कहने पर गाड़ी मुबैना दहशत गर्द को दी। गाड़ी बाबू साबू नाके से दाखिल हुई थी। गाड़ी इससे पहले भी शहर में 2 बार देखी गई। वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी कह दिया मुलजमान के करीब पहुंच गए हैं, जल्द पंजाब पुलिस खुशखबरी देगी। मुल्क दुश्मन अनासर हैं और जो मुल्क के इर्द गिर्द हालात बदलने जा रहे हैं उस पर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ भी सकते हैं और ये लाहौर में भी वाकया हुआ है और पंजाब पुलिस ने इसमें एक बेहतर रोल अदा किया है, हम मुल्ज़िमों के करीब हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए, वफाकी वज़रा और अराकीन असम्बली से मुलाकात। बजट सेशन और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कह दिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शफाफ इंतखाबात का रास्ता है, दोनों ऐवानों में इस प्रोसेस पर कौम की नजरें हैं। ये किसी मुशीर किसी वजीर का कमाल हो ही नहीं सकता। ये खून चूस बजट है, ये हड्डी तोड़ बजट है, ये किताबें खाने के बाद मुझे पता चला है ये जकूटा जिन बजट है। ये कमाल की कारकर्दगी उस जकूटा जिन के है जो इमरान खान साहब के पास पहले दिन से मौजूद है, जो कहता है मैं क्या करूं, मुझे काम बताओ, मैं किसको खाऊं। मरियम औरंगजेब का खिताब में जकूटा जिन का जिक्र। कहा इमरान खान के पास एक ऐसा जकूटा जिन है जिसने तमाम महकमों का बेड़ा गर्क कर दिया। अना का जिन निजाम को चलने नहीं देता, बजट को हड्डी तोड़ करार दे दिया। और मुल्क में कोरोना से मजीद 38 अफराद इंतकाल कर गए, मजमू अमवात 22,111 हो गई हैं। NCOC के मुताबिक 46,124 टेस्ट किए गए, मुस्बत केसेस की शरह 2.37% रही।